हेलो गोइज वेलकम बैक टू द चैनल अगेन कैसे हो यार आप सब तो यार अपना वीडियो आज का स्टार्ट करते हैं सो so बेसिकली ये वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो पूरा वेल्टर वेट डिवीजन के अराउंड रिवॉल्व करने वाला है यार यू का जो वेल्टर वेट डिविजन था उस पर बहुत सालों से कमारू उस्मान का राज था मतलब वो काफ़ी सारे टाइटल डिफेंसिस पे टाइटल डिफेंसिस करे जा रहे थे और पूरा तरह से उनका डोमिनेंस था कमारू उस्मान का अनटिल कुछ महीने पहले तक जब तक उनकी फ़ाइट लियोन एडवर्ट्स से दोबारा नहीं हो गई और उस फाइट के बाद लियोन एडवर्ड्स ने उनको फिफ्थ राउंड में के कर दिया और उसके बाद से तो वेल्टर वेट डिवीजन में उथल-पुथल मची हुई है तो यार जैसे ही लियोन एडवर्ड्स ने एकदम शॉकिंग केओ करा कमारू उस्मान का तो उसके बाद सब लोग यही पूछने लगे कि अब बेल्टरवेट डिवीजन का क्या होगा या बेल्टरवेट का डिवीजन का जो अगला टाइटल शॉट है क्या वो कमारू उस्मान को इंस्टेंट रीमैच मिलेगा या कोई नया कंटेंडर आएगा जो लियोन एडवर्ड्स को चैलेंज करने वाला होगा और यार ये टाइम टाइम की ही बात है कि यू को अभी एक लंडन में भी कार्ड करना है बेसिकली यू में एक कार्ड करना है और आपको पता हो कि लियोन एडवर्ड्स भी यू से ही हैं तो यू का बेसिकली ये प्लान है कि जो यू का जो कार्ड होने वाला है यू में जो कि यू एफ़ होने वाला है उसमें लियोन एडवर्ड्स मेन इवेंट में होंगे और अपनी बेल्ट को डिफेंड करेंगे और यार जो लियोन एडवर्ड्स का मेन इवेंट में अपोनेंट होने वाला था या जिसको नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलने वाला था मेरी तरफ से तो मैं श्योर था कि कमारू उस्मान को ही मिलने वाला था और बहुत सारे लोग भी इसके बारे में श्योर थे कि हाँ भाई कमारू उस्मान को ही मिलेगा क्योंकि वो इतना डोमिनेंट चैंपियन था और इतने टाइम से चैंपियन था और पूरे डोमिनेट कर रहा था वेट को और शायद से सब बहुत लोगों को एक, है का है, एक हैंड सर्जरी करवानी है जैसे कि आपको पता है पिछले साल भी कमारू उस्मान ने एक हैंड सर्जरी करवाई थी और इस साल भी उनको शायद से वापस वो हैंड सर्जरी करवानी पड़ेगी बेसिकली इंजुरी का तो कोई अभी श्योर नहीं है या क्या है ये सब उड़ती उड़ती खबर भी हो सकती है लेकिन इसका कोई कंफर्म नहीं बता रहा लेकिन यह बताया जा रहा है कि उनको हैंड सर्जरी करानी पड़ेगी और उस सर्जरी के कारण वो अब ऑब्वियसली भाई तुरंत तुरंत वो रिकवर तो नहीं कर पाएंगे अप्रैल मई तक और उनको फिर वो उस वाली फाइट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर सकती यूएफसी 286 में उनको और टाइम चाहिए होगा हिल हाँ के लिए और कमारू उस्मान की इसी इंजरी के कारण यू एक नया रिप्लेसमेंट खोज रही है लियोन एडवर्ड्स के साथ टाइटल शॉट लेने के लिए और सबसे ज्यादा फ्रंट रनर पर कोई चल रहा है तो वह हॉर है माजविडाल जी हाँ आपने सही सुना मैंने बोला हॉ है माजविडाल जो ऑलरेडी थ्री फाइट के लूजिंग स्ट्रीक पर है तो बहुत सारे लोग यही बोल रहे हैं कि हॉर है माजविडाल को वापस से टाइटल शॉट मिल जाएगा और मुझे भी ये समझ नहीं आता कि हॉर है माजविडाल को कैसे मिल सकता है टाइटल शॉट ये मेरे भी दिमाग के परे है और मुझे भी इस चीज़ों पर मतलब बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा लेकिन हाँ अगर आपको लग रहा है कि नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो मैं बता दूं कि हाँ इसकी एक बहुत बड़ी प्रोबेबिलिटी है और बहुत चांसेस है कि हॉरे माजवी डाल को ये टाइटल शॉट मिल जाएगा तो देखो यार हॉरे माजबिडाल बिल्कुल कोई डिजर्विंग कैंडिडेट तो है नहीं इनफैक्ट जो टेंथ रैंक का वेल्टर वेट डिविजन का फाइटर होगा ना वो भी ज़्यादा डिजर्विंग होगा माजविडाल से क्योंकि ऑब्वियसली वो थ्री फाइट के लूजिंग स्ट्रीक पे और उसने पिछले फास्ट फाइट से कोई भी राउंड तक नहीं जीता है तो ये भी एक चीज़ है तो हॉरे माजमिडाल को अगर क्रेडिट पॉइंट्स के हिसाब से देखे क्रेडिबिलिटी के हिसाब से देखे तो बिल्कुल नहीं हाँ वो बिल्कुल ही डिजर्व नहीं करता लेकिन अगर आपको एक और स्टैंड पॉइंट से देखना होगा कि अगर आपको लगता है कि यू कोई स्पोर्टिंग कंपनी है या यू एफ कोई स्पोर्ट्स को बनाना चाहती है तो ऐसा नहीं है यूएफसी एक एंटरटेनमेंट बिजनेस में है उसको एंटरटेनमेंट से मतलब है उसको अपने सबसे ज़्यादा ज़्यादा से जादा से पेपर व्यूज़ बेचने से मतलब है और इनफैक्ट अगर यूके में वो कार्ड क्यों करा रही है वो यूएस में ही रह के अपना कार्ड्स करा सकती है यूके में जाके उसको इतना झंझट लेने का फायदा क्या है बेसिकली उसको अपना मार्केट एक्सपैंड करना है अगर जैसे कि आपको पता है कि यूएस और यूके के व्यूअर्स सिमिलर है तो चाहती है कि यूके के भी जो जो व्यूअर्स हैं वो यूएफ़सी देखें और ज्यादा इन्वॉल्व हो जिससे उनके पेपर व्यूज बाइज़ बढ़े उनका बिजनेस बढ़े और बेसिकली अपने कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं इसलिए वो यूके में भी पेपर व्यू करवा रहे हैं और यार यू बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि वो जो इतनी मेहनत करके यूके जा रहे हैं वहाँ अपना कार्ड करा रहे हैं तो उसके बाद उनको कोई भी फ़ायदा ना मिले या उनके पेपर व्यू बाइज़ भी ना हो वो चाहेगी कि अराउंड मिलियन पेपर व्यू बाइज़ भी हो और इवेंट को काफी ज्यादा अटेंशन भी मिले तो बेसिकली वक्त ऐसे फाइटर को डालना चाहेंगे जिस जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा हले हालांकि उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा ना हो लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा हो तो आप ये चीज़ देख सकते हो कि हर हे माजवी डाल की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ वो वो कुछ हद तक बहुत ज़्यादा फेमस है और यार बहुत सारे लोग लियोन एडवर्ड्स को नहीं जानते लेकिन हॉरे माजविडाल को जानते हैं वो ऑब्वियसली फेमस है और जैसे कि आपको पता है कि एक कोई नया व्यूअर आएगा तो वो शायद से कौन में करेगा हॉरे माजविडाल नेट डिया को जानता होगा लेकिन ये सारे जो हार्डकोर एम एम ए फैंस है सिर्फ वही जानते हैं लियोन एडवर्ड्स को या विसेंटे लूके को तो ये हमको भी पता है कि नए नए व्यूअर्स को लाने के लिए आपको बड़े बड़े स्टार्स की जरूरत पड़ेगी और ऑब्वियसली यहाँ पर फ्रंट रनर इसलिए माजविडाल है क्योंकि वो काफ़ी ज्यादा पॉपुलर और जो दूसरा रीज़न है हॉरे माजविडाल को कंसिडर करने का वो ये है कि लियोन एडवर्ड्स और हॉरे माजविडाल के बीच में एक बार बैक स्टेज पे फाइट हो गई थी और दोनों ने एक दूसरे को पंचर्स वगैरह मार दिए थे जिससे लियोन एडवर्ड्स को ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी बेसिकली मासजविडाल ऑक्टागॉन में तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन वो बाहर लोगों को बहुत ज़्यादा दबंगई दिखाते हैं तो यही बेसिकली यही सारी चीज़ें तो यू को एक स्टोरी मिलेगी जिसके ऊपर वो फाइट को मार्केट कर सकती है और ये यू एफ़ बिल्कुल ये करना तो बहुत चाहेगी कि माजविडाल को एक टाइटल शॉट मिल जाए वगैरह वगैरह तो आप ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखो कि हाँ माजाल को टाइटल शॉट मिलना इंपॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है उसको बहुत बहुत जल्दी मिल सकता है या बहुत ज्यादा चांसेस है कि माजुडाल को टाइटल शॉट मिल जाए और यार मेरे दिमाग में एक सबसे पहला फाइटर जब मैंने ये न्यूज़ सुनी कि कमारू उस्मान को इंजरी हो गई तो मेरे दिमाग में तो माजविडाल तो छोड़ो मेरे दिमाग में कोल भी कॉमिंगटन भी नहीं मेरे दिमाग में आया सबसे पहला फाइटर जो फाइट ले सकता हैं वह हमजा चिमायव ऑब्वियसली यार हमजा चिमायव जिसको चैम्पियनशिप बनना है जिसको चैम्पियनशिप जीतनी है वो इस बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसे तो हमजा चिमायव सबको चैलेंज करते रहेगा लाइट हैवी वेट तक चैम्पियंस को चैलेंज कर देगा कि मैं फाइट कर लूंगा मैं किसी से कभी भी फाइट कर लूंगा तो जिस डिवीजन में वो फाइट करता है वो क्यों नहीं चैलेंज कर रहा लियोन

चुनिटी है तो आप इस पर कॉल आउट क्यों नहीं कर रहे हो मुझे कोई ये समझ नहीं आ रहा तो हमजा चिमायाब मेरे को लगता है इस बेस्ट रिप्लेसमेंट होगा अगर कमारू उस्मान का अगर कोई होगा अभी वर्सेज तो हमजा चिमाय यू एफ सी लंडन में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी ये पेपर व्यू उसके बहुत ज्यादा बाइज होंगे और यू एफ सी के लिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस भी बन सकता है तो मेरे हिसाब से क्रेडिबिलिटी वाइज भी हामजाद बहुत फेमस है और फेमस पॉपुलैरिटी वाइज भी फेमस तो है ही तो ये भी एक चीज है हामजा चिमाय की तो यार मेरे को लेकिन लगता नहीं है कि हमजा चिमाय यही फाइट लेगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं वहां पर तो वो बोलेगा नहीं और फाल तो कि लोगों को कॉल आउट्स करते रहेगा या नेट डिया ले तो अगर यार आपको बड़ा सा सुपरस्टार वगैरह बनना है तो यार इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फाइट्स लो और चैंपियंस को हराओ बेल्ट जीतो जल्दी से ये भी एक चीज़ है क्या उसको क्या उसको पुश करेगी और एक और रीजन है हमजा चिमाय शायद ना बोल रहा हूँ तो वो है कि 170 का वह उश्यू क्या वो वापस है का वेट कट कर भी सकता है कि नहीं उसने दो बार वेट मिस कर दिया तो ये भी एक चीज है देखने वाली शायद उसको यूएफसी मेन इवेंट में नहीं डालना चाहती हो अपनी यूएफसी के लंडन के कार्ड में तो ये भी एक चीज है वाली तो यार यही सारी इन्फॉर्मेशन थी और मेरे थॉट्स थे जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था अगर आपको इसके बारे में और भी कोई इंफॉर्मेशन हो या कोई थॉट्स हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में बता सकते हो ड मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय